सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अहंकार को भीतरी कैंसर माना गया है और ये पर सुख देख जरन भीतर का टीबी है। वो टीबी तो क्योर हो गया आजकल। वो जो टीबी था वास्तविक टीबी हो वो तो आजकल अब लगभग लगभग उसका इलाज हो गया है। बहुत आसान इलाज है, 4 पैसे का इलाज खाली। लेकिन वो टीबी बड़ा जोर मार रही अंदर वाली, हाँ बड़ा जोर मार रही। दूसरे की ऊंचाई को देखकर जो जलन पैदा होती है कि कैसे इसको डाउन किया जाए, कैसे इसको गिराया जाए, ये ईर्ष्या वृत्ति ये सिंह का है। अपने को चेक करो, अगर आपके अंदर ये भाव कहीं ना कहीं जिंदा बैठा है, चेक करिएगा इसको। पैथोलॉजी ना हो तो बहराज चले जाओ, हाँ रिपोर्ट निकलो। अगर ये भाव अंदर जिंदा है, रिपोर्ट ले उसकी। अगर ईर्ष्या अंदर जीवित है तो आप पार नहीं हो सकते हो। ताहि मारि वारिधि पार, जहां सीता बैठी है उस पार, उधर पहुंचने की यह शर्त है कि इस वृत्ति को पहले मारना होगा। मैं एक छंद कल गा रहा था, वो अत्रि मुनि वाला, हाँ वो नमाम भक्त वसलम अत्रि महाराज का गाया हुआ जो छंद है, उस छंद को अगर गहराई से पढ़ो आप तो उसमें भजन की 3 रीतियां लिखी हुई हैं, भक्ति की 3 पद्धतियां। कई लोग हमारे आप में से हैं ना जो कहते हैं भजन तो हम कर रहे हैं लेकिन भजन का कोई फल नहीं मिल रहा है। कई लोग की शिकायत होती है कि भजन तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन कोई भजन का परिणाम नहीं आ रहा जीवन में, पूजा पाठ का परिणाम नहीं आ रहा है कुछ भी। परिणाम कैसे आएगा, उसकी परंपरा नहीं पूरी कर पाते हम लोग। भजन कोई वो डग्गा मारी की बस नहीं है, डग्गा मारी की बस नहीं है वो कि चाहे जहां खड़ी कर दो सवारी भर लो, हाँ वो रोडवेज की बस है, उसका सिस्टम होता है सब। टाइम से स्टेशन पर आएगी, टाइम से भरेगी, टाइम से चलेगी, सवारी एक को हो चाहे न हो चल पड़ेगी। डग्गा मारी वाली बस वो अलग होती हैं, रोडवेज की अलग होती, ठीक है ना। भजन डग्गा मारी का नहीं होता है। कई लोग एक दोहा पढ़ लिए हैं उसको लेके, अरे सब ठीक है सब ठीक है। एक दोहा है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे कीज, और खेत परे सब जाम है उल्टे सीधे। और इस दोहे को लोग बेस बना देंगे, अरे कैसे हो भजन कह लो सब उल्टा पुल्टा सुलटा कुलटा सब पूरा हो जाता है, पूरा काक होता है। उसमें एक शब्द छिपा है उसको नहीं पकड़ पाते हम लोग। इस दोहे में एक बात छिपी हुई, उस दोहे के में छिपे एक पॉइंट पर ध्यान दो तब बात पूरी पक्की होगी। उसमें लिखा है खेत परे सब जाम है उल्टे सीधे बीज, खेत रोड परे नहीं, खेत परे। अब बीज डालने के पहले खेत में, उस खेत में कुछ काम करना पड़ता है ना, हल चलाना पड़ता है, उसको मुलायम करना पड़ता है, उसकी घास फूस अलग करनी पड़ती है, उसको कितने 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 बार तो जुताई करनी पड़ती है, कितने बार पानी देना पड़ता है, उसके बाद फिर गेहूं छीटो और चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो सब जाम पड़ेगा। लेकिन खेत परे है, रोड परे नहीं, प्लाट परे नहीं, बंजर परे नहीं, खेत परे, खेत परे। और खेत में कुछ काम करना होता है पहले, तब वो उल्टे पुलटे जामते हैं सब। काम कुछ न करो खाली उल्टे पुलटे जामे हैं, खाक जामे हैं। बुक देखो शब्द पर गौर कीजिए, रोड परे नहीं, बंजर परे नहीं, प्लाट परे नहीं, खेत परे, खेत परे। अब खेत में डालने के पहले बीज फिर उल्टा पड़े चाहे पुलटा पड़े सब जम जाएगा, लेकिन पहले खेत परे है, खेत परे, ठीक है ना। वो वाल्मीकि जी उल्टा जपे थे और राम नाम, तो उसके पहले बड़ी साधना थी उनके जीवन की, हा? बाम्बी में बैठ के वो बाम्बी के अंदर वाल्मीकि जो होती है वो चीटियों का लगाया हुआ वो, उसके भीतर हजारों साल की तपस्या उनकी है, उसके बाद वो मरा मरा किए और सब जम गया उनका। हा? साधना ना होती तो खाक मरा मरा जमता, हा? साधना करनी पड़ती, पहले तैयारी करनी पड़ती है अपने जीवन में। तो भजन की रीति होती है, अब जब तक वो रीत पर नहीं चलोगे फिर कहोगे भजन तो कर रहे हैं परिणाम कुछ नहीं आ रहा। परिणाम कैसे आएगा, बंजर में बिया बोया होगा खाक पैदा होगा, ऊसर में बीज डाल दो ऊसर बीज भय फल जता,